मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा आरपीएफ का एक सराहनीय काम सामने आया है। महिला यात्री का खोया हुआ पर्स लौटाया, जिसमें 27,500 रुपए कैश और सोने के गहने थे। महिला यात्री मुंब्रा के संजय नगर की रहने वाली, जिसका नाम सैरुन्निशा है। ये महिला भाईखल्ला से मुंब्रा उतरी थी और भीड़ होने की वजह से महिला का पर्स मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर गिर गया था। मगर उप निरीक्षक जावेद शेख और हेड कांस्टेबल मोहन सिंह और एमएसएफ जवान नारायण लौटे को गश्त के दौरान एक चॉकलेटी कलर का पर्स मिला। चेक करने पर इसमें 27,500 रुपये और सोने के गहने मिले थे और इसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी था। जब नंबर पर संपर्क किया गया तो अल्ताफ नाम के एक लड़के ने फ़ोन उठाया और आरपीएफ ने जब पर्स के बारे में पूछा तो अल्ताफ ने बताया कि पर्स उसकी मम्मी का है। जिसके बाद अल्ताफ और सैरुन्निशा दोनों लोगों को मुंब्रा आरपीएफ में बुलाया गया और आरपीएफ के पीआई पवन कुमार के निर्देश अनुसार उप निरीक्षक जावेद शेख ने पूरी जांच पड़ताल के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद महिला को उसका पर्स और कैश जेवर जो सभी चीज़ें थी वो लौटा दी गई हैं। इसलिए मुंब्रा आरपीएफ की ये सराहनीय कार्य की चारों तरफ तारीफ हो रही है। बेटा आपका नाम क्या है और हमारी जो मुंब्रा की आरपीएफ की टीम है, पीएसआई जावेद शेख और उनकी टीम ने जो आपके आज पैसे 27,500 डॉक्यूमेंट्स, आपके आधार कार्ड और सैमसंग का मोबाइल और पर्स मम्मी का जो अच्छी तरह से आपको लौटा दिए, तो आप उनके इस टीम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो जावेद सर और उनके टीम का पूरा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने 27,500 रेलवे टिकट, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट जो भी था तो हमारा रिटर्न कर दिया मैंने, और मैं उनके इस काम की प्रशंसा करता हूँ। सर आपका नाम क्या है, आपको ये पर्स कहाँ से मिला? मेरा नाम जावेद शेख, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर मुंब्रा पोस्ट, और मुझे समय करीबन 19:15 बजे मैं तथा मेरा स्टाफ हेड कांस्टेबल मोहन सिंह, एमएसएफ स्टाफ नारायण लौटे, हम तीनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान एक चॉकलेटी पर्स प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दिखाई दिया। वो पर्स को उठाकर उसके अंदर देखने पर एक मोबाइल नंबर, एक आधार कार्ड और कुल रकम 27,500 नगद अंदर रखे हुए दिखाई दिए। बाद में उस पर्स के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर था। कॉन्टैक्ट नंबर पर जो पर्स, जिसका पर्स था, उसके लड़के से फोन द्वारा संपर्क किया। उसने बताया कि मेरे मम्मी का चॉकलेटी कलर का पर्स गुम हुआ है और मेरी मम्मी भाईखल्ला से मुंब्रा यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान मुंब्रा स्टेशन उतरते समय लेडी डिब्बे में ज़्यादा भीड़ होने के कारण मुझे पता नहीं कि मेरा पर्स कब गिर गया है, और उसने बताया कि मेरी मम्मी घर पे आने के बाद वो बहुत परेशान रही और घर में बताने लगी कि पर्स में 27,500 रुपया था और मोबाइल था तो चला गया। मैं उनके लड़के नाम अल्ताफ उसको फोन द्वारा संपर्क करने पर अल्ताफ जिस का पर्स था उनकी मम्मी, दोनों को आरपीओ पोस्ट मुंब्रा में बुलाया गया और दो पंचों के समक्ष उक्त महिला को 27,500 रुपये, एक सैमसंग का मोबाइल, आधार कार्ड, उनका पर्स और रेलवे का टिकट सुपुर्द किया जा रहा है। जितना भी बोले उतना भी काम है।